वंदे मातरम मित्रों, आज का टॉपिक है राजस्थान का चूरू जिला। और चूरू जिले के बारे में जितने भी वन लीनियर क्वेश्चन बनते हैं वह इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जानते हैं चूरू जिले के बारे में। चूरू जिले के अंतर्गत 7 तहसील आती हैं और चूरू जिला राजस्थान के बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। चूरू को चूहरू नामक कालेर जाट ने बसाया था। किसने बसाया था? कालेर जाट ने। और आज भी कालेराबास के नाम से जाना जाता है जिस स्थान पर चूरू जिले को बसाया था। अब जानते हैं चूरू जिले के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा राजस्थान के 12 मरुस्थली जिलों में से यह एक जिला है। मरुस्थली जिले कितने हैं? 12। उसमें से एक जिला चूरू भी है। राजस्थान का सबसे गर्म व ठंडा जिला जलवायु के अंतर्गत कौन सा आता है? तो चूरू सबसे गर्म और सबसे ठंडा, इसीलिए यह सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला भी है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो आंसर होगा चूरू। और चूरू जिले में कोई नदी नहीं बहती है, यानी चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। ताल छापर झील चूरू में स्थित है, यह खारे पानी की झील है। कौन सी झील? ताल छापर। और सर्वाधिक मोठ की दाल और चना भी चूरू में होता है। और राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र 42% चूरू जिले में पाया जाता है। चूरू का किला ठाकुर कुशल सिंह ने 1739 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, चूरू के किले का। और इस किले में गोपीनाथ का मंदिर स्थापित है, यानी चूरू के किले में गोपीनाथ भगवान का मंदिर है। और इसे कुशल सिंह ने 1739 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। सावा का गुरुद्वारा, सावा तारानगर के सावा में यह गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी और गोविंद देव जी के आने व रहने की स्मृति से जुड़ा हुआ है। सिखों के गुरु गुरु नानक देव जी और गोविंद देव जी के यहाँ आगमन व रहने की स्मृति में यह सावा का गुरुद्वारा बनाया गया। और यहाँ पर कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। ददरेवा, गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा, यहाँ पर भाद्रपद मास की कृष्ण नवमी को मेला लगता है। कहाँ पर? ददरेवा, चूरू में। सालासर बालाजी, इसकी सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना मोहनदास जी ने की थी। और हनुमान जी के मंदिर के पास माता अंजनी देवी का मंदिर भी है। भारत में एकमात्र ऐसी हनुमान जी की प्रतिमा जो डाडी मूछ वाली है, यानी डाडी मूछ वाली हनुमान जी की प्रतिमा सालासर बालाजी चूरू में स्थित है। तिरुपति बालाजी, सुजानगढ़ में भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर 1994 में वेंकटेश्वर फाउंडेशन ने करवाया था। किनका? तिरुपति बालाजी का मंदिर। कहाँ पर है? सुजानगढ़ में। गोपालपुरा, महाभारत काल में पांडवों कौरव पांडवों के गुरुजी द्रोणाचार्य द्वारा यह बसाया गया था, जिसे उस समय द्रोणपुर के नाम से जाना जाता था। किसे? गोपालपुरा को। किसने बसाया था? पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने। और उस समय किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा द्रोणपुर। धर्म स्तूप, यह सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक है। धर्म स्तूप, इसका निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है। स्तूप के अंदर भगवान कृष्ण की, महावीर, बुद्ध, गुरु नानक, जगदम्बा और शंकराचार्य की मूर्तियां लगी हुई हैं। ताल छापर अभ्यारण्य, यह सुजानगढ़ में स्थित है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, यह काले हिरणों और कुंजरा पक्षी की शरणस्थली है।
क्वेश्चन आता है, राजस्थान में काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा ताल छापर अभयारण्य चूरू। और कुंजरा पक्षी की शरण स्थली किस अभयारण्य को कहते हैं? तो भी आंसर होगा ताल छापर अभयारण्य। और वर्षा ऋतु में यहाँ पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसका नाम है मोचिया साइरस प्लस रोन्स नाम से जाना जाता है। यह एक नम घास है मोचिया साइप्रस रोन्स, और यहाँ पर ऊन का कारखाना भी मिलता है। कहाँ पर? चूरू जिले में। चूरू जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति, चूरू के राजगढ़ के निवासी लक्ष्मी निवास मित्तल, जो कि विश्व के बड़े धनी व्यक्तियों में से एक है, वह चूरू से संबंधित है। और प्रथम महिला खिलाड़ी जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, कृष्णा पूनिया, उसका ससुराल भी चूरू में ही है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।